अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक इंतहाई मज़ेदार और टोटली डिफरेंट तरीके से चिकन बर्गर की रेसिपी। ये रेसिपी आपसे आज तक किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। इंतहाई मज़ेदार बनेगी और टोटली डिफरेंट, और कम चिकन में आप इतने मज़ेदार से चिकन बर्गर बना सकेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, और घर वाले भी इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाए हैं। चलें हम चिकन बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक अंडा ले लेना है, उसमें हमने काली मिर्च शामिल करनी है थोड़ी सी, और साथ ही इसमें नमक, और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे ग्रीन चटनी, और थोड़ी सी हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ग्रीन चटनी में हमने हरी मिर्च, पुदीना और धनिया शामिल किया था। अब 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही बॉयल किया हुआ और श्रेडेड चिकन इसमें शामिल कर देंगे। ये एक बर्गर के लिए मैं बना रही हूँ। इस चिकन से हम 2 बर्गर बना लेंगे और अंडा इसमें 1 शामिल करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। ये दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन यकीन माने इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको बार बार बनाने पे और खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा और आप बाज़ार का जो चिकन बर्गर है आप वो भूल जाएंगे और इसको ही बार बार बनाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हमने तवा ले लेना है, उस पर हम 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम डाल देंगे घी का। जब घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इस पे वो चिकन वाला मिक्सचर शामिल कर देंगे। अब इसको हम पका लेंगे। हमने इसको भूनते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए रेडी हो चुका है। इतना मज़ेदार ये बनेगा कि मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इसको एज़ इट इज़ ही खाना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन हमारा बनके रेडी हो जाएगा। हमने इसको साथ साथ चम्मच के साथ हिलाते जाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा चिकन का जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेप है इसके वो भी बड़े मज़ेदार होने वाले हैं, आप इसको एंड तक देखिएगा। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तवे पे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और बर्गर को हम इस तरह से प्रेस करके इसको थोड़ा सा हीट कर लेंगे। ये बर्गर बन्स मैंने बाज़ार से लिए थे, बेकरी से ये आम मिल जाते हैं। अब इस पे हम लगाएंगे दही की चटनी, जिसमें हमने ग्रीन चटनी डाली थी और इसको हमने नमक डाल के बना लिया था। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बाज़ार से जब लेते हैं उस पर थोड़ी सी ये लगाते हैं और हेल्दी भी नहीं होता है, अनहाइजीनिक होता है। अब इस पे हम 1 अदद शामी कबाब लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सिर्फ चिकन ही लगा सकते हैं, इसको आप स्किप कर दीजिए। अगर शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप शामी कबाब की रेसिपी वहाँ से ले सकते हैं। अब हमने चिकन का जो मिक्सचर बनाया था अंडे के साथ वो लगा देंगे। इस मिक्सचर से 2 बर्गर इजीली बन जाएंगे। ये तकरीबन 2 से 3 बोटियां थी जिनको मैंने बॉईल करके श्रेडेड कर लिया था। अब इस पे हम प्याज लगा लेंगे बारीक बारीक सा काट के, और साथ ही इस पे हम लगा देंगे बंद गोभी। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। बहुत ही मज़े के ये बर्गर बन के रेडी होते हैं। अब इस पे हम केचप लगा लेंगे। अब इस पे हम 1 अंडा, उसमें हमने काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को शामिल किया था, और अंडे को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है, वो डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। ज़बरदस्त सा बर्गर हमारा रेडी है। ये देखिए कितना मज़े का ये बना है और दिखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू और अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।